के तलबा ने जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या जापान के, एक उर्दू मशायरा मुनक़िद किया है। गैर मुल्की लोग हैं तो वो आपकी सुनत में हाजिर नहीं, जरूरत ही नहीं कर सकते, तो उनकी ख्वाहिश है कि आपको सुने मीर साहब, जापान के तलबा जो करंसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये उर्दू पढ़ रहे हैं तो बड़े मुतासर हैं, अगर चाहें जापानी तो हजरत अगर जहमत होगी उर्दू एक मशायरा रखा हमने, तो मीर हैरान बैठेंगे, उर्दू ये कौन सी जबान है, ये मशायरा क्या किस जबान में है, उर्दू उर्दू क्या मीर है, तो उर्दू जबान उर्दू का लफ्ज़ क्या है, ये तो बहुत बात की बात है भाई, उर्दू आना में इसमें हिंदी भाई, हिंदुई हिंदवी ये भाई उर्दू बहुत बात का लफ्ज़ है, बहुत ही बात का, तो खाम खा लगा दिए किसने चूतिया में लगा दी, इसका पूरा जबान उर्दू हिंदी जबान उर्दू है मोहल्ला, हिंदी यानी जबान लश्कर आली ये है इसका नाम, हिंदी यानी जबान लश्कर आली, उर्दू बान लश्कर की, और साहब मीर तक मीर इनका कहते भाई ये जबान मैं नहीं जानता, आप किसी उर्दू के शायर को बुलाइए, ये जबान कहाँ बोली जाती है, क्या ये होगा नहीं है, ये बिल्कुल वही बात है, ये इनके इलाके की बात कर रहा हूँ मैं, उमराव तारिक के ख़ानदान इलाके के, अगर कोई मीर मीर अनीस से कहता कि हज़रत इमाम बारगाह रिजविया में आपको ज़हमत देनी है, तो वो हकदक रहे थे कि इमाम बारगाह क्या चीज़ है, तो मुझसे क्या आपकी ख्वाहिश है, कोई इमाम बारगाह रिजविया में अगर आप मरसिया इनायत फरमा दें, तो इमाम बारगाह से मरसिया का ताल्लुक है, वो हैरान रह जाते हैं भाई, अम्बाड़ा खा गया चुतिया पे, जब इमाम हुसैन के हालात बेहतर हुए और हबीब बैंक ने उन्हें सहारा दिया, उस चांदी और सोने की जरी रखवा दिया, फिट करा दी खुरासान में, इमाम हुसैन के हालात माशी तौर बेहतर हुए, तो इमाम बाड़ा बेचारा इमाम बारगाह कहने लगा, नहीं इमाम बारगाह वाइट हाउस भाई, इतना गुस्सा था कोई इमाम बारगाह कहता माचो जूता मारो, अरे इमाम बाड़ा यानी अनीस परेशान इनसे पूछ लो भाई, तुम्हारे अनीस परेशान होते ना होते, इमाम बाड़ा क्या होता, इमाम बारगाह क्या चीज़ है, इमाम बाड़ा ही लफ्ज़ है, ये 700 बरस पुराना है, कम से कम 700 बरस, इमाम बारगाह की उम्र है मेरे ख्याल में 30 बरस की, मेरी भतीजा भाई साले आए रही साहब की लड़की, रही साहब की लड़का, तो दो बातों बड़ी हैरान हुई, हमारी भतीजा आई हुई है रही साहब की दुर्दाना अफसानिगार, जाइएगा ये बात देखिए क्या, एक तो इमाम बारगाह चल रहा है ये क्या, और एक अल्लाह हाफिज, वो खुदा भी सुनती हुई गई थी, यहाँ अल्लाह हाफिज हो गया, और इमाम बारगाह भाई इमाम बारगाह अच्छी जगह से हो गए, यहाँ बहुत से काम हो रहे हैं और भी होने वाले, और साहब यहाँ तो मैं देखता हूँ इनके लिए तो अजीब बात हुई है मेरे लिए, कि यहाँ सूरत हाल ये है कि मजलिस में अपर क्लास का आदमी वहाँ होगा खास जगह बैठेगा, आवाम बेचारे उधर पा, यहाँ कोई दौलतमंद इमाम बाड़े हैं सिर्फ दौलतमंद ही के हैं, तो मैंने अजीब वो गरीब वादे की जब कार खरीदी तो सबसे पहले वो शाह खुरासान से गुजरेगी, अच्छा मैंने भाई शाह खुरासान की अहमियत क्या है, सिवाय इसके कि वो साला बेईमानी के ज़रिए बनाया गया चोरी का माल है, तो उसमें खसूसियत क्या है शाह खुरासान के माल में, तो फैशन गाड़ी जब खरीदेंगे तो पहले वहाँ जाएगी, वहाँ जाएँगे तवरुकन तहमुनन, अब एक और सुना मैंने अम्बाड़ा बुत का अम्बाड़ा देखा नहीं है हाउसिंग सोसाइटी में, यहाँ भी अपर किराए के लोग जाते हैं, तो अब अम्बाड़े में ये हो गया है मजलिसों में कि अपर किराए के लोग आगे बैठे हैं, तो अपने ये बेचारे यूँ ही छोट भैया ये बेचारे बहुत दूर, यानी इनके गैर इंसानी सूरत हाल पैदा हो गई है, शायद खुरासान वो वहीं की नमाज नहीं कबूल की जाएगी तय शुदा तौर पर, जो नमाज शायद खुरासान पढ़ी जाएगी वो बातिल जाया जाएगी, जो सजदा वहाँ किया जाएगा वो सोनों किया जाएगा, लाहौल वाला खुद अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये अम्बाड़ा खेत का होगा या मसलन नूरानी मियाँ के जहाँ मस्जिद पढ़ते हैं अवामी जो अज़ा खान हैं, नूरानी बरेली पढ़ते वो है आवाम का, ये तो आवामी इदारा था जिसके बानी सुननी है, सुननी भी बरेली सुननी, ठीक है बरेली इस तरह नहीं है, लेकिन ये आज की बरेली मसला आज का नहीं है, इमाम हनीफा गोया बरेली, बरेली तो यूपी का शहर है, इसमें बरेली कहने असल में हनफी, हनफी मतलब जो सूफी दरगाह नियाज नज़र इसे कहते हैं, यूँ समझिए कि ये तुर्की से लेकर ढाके तक
ये सवाद आज़म कहलाता है, हनफी सवाद आज़म यानी मुसलमानों की अक्सरियत। हम्बली कुछ गिने चुने, शाफई गिने चुने, मालिकी गिने चुने, सबसे बड़ी आबादी है हनफियों की और शियों की, यानी करोड़ों में। मालिकी करोड़ों में नहीं है, शाफई करोड़ों में नहीं है, हम्बली करोड़ों में नहीं है, लाखों में। और असली आबादी है हनफी, यानी करबला में इमाम हुसैन था जो जंग लड़ रहे थे, उनकी अक्सरियत सुन्नी थी, जो आज के आज सुन्नी कहलाती है, पर सुन्नी नाम उस पर नहीं था। सुन्नी 256 हिजरी में इस्तेमाल हुआ सुन्नी का लफ्ज़। इमाम हुसैन था वो लोग थे, दो किस्म के लोग थे, एक वो जो हज़रत अली को चौथा खलीफा मानते थे, यानी सुन्नी, वो थे 60%, एक थे 40% जो हज़रत अली ही को मानते थे। मसलन ज़ुहैर क़ैन मशहूर शहीद हैं, वो हज़रत उस्मान को तीसरा और हज़रत अली को चौथा खलीफा मानते थे, वो अपने चौथे खलीफा के बेटे के लिए लड़ रहे थे, सीधी बात। यानी अंसार हुसैन में, शहदाय करबला में अक्सरियत है भी, मैंने बस पचास मतलब हनफी को अक्सरियत थी, जो हज़रत अली जिनके हज़रत अली चौथे खलीफा थे, वो अपने चौथे खलीफा के जानशीन के लिए लड़ रहे थे। उन्हें शिया भी थे, मैं सिर्फ शियान अली, शियान अली उसे कहते हैं जो हज़रत अली के साथ था, शियान मावे वो जो उनके ख़िलाफ़ थे चौथे खलीफा के, उनके लिए कोई इस पर लफ्ज़ी मौजूद नहीं है, वो सुनी नहीं थे ज़ाहिर भाई, जो अली को चौथा खलीफा न मानता हो सुनी होगा नहीं, हो नहीं सकता हो। तो ये तारीख अजीब व गरीब है, वो पढ़ाई जब तक जा रही है। अरे मुझे बोलने की आदत इतनी है कि शेर तो कहता ही हूँ मैं, मगर ये मसले इस्लामियात के कुछ ऐसे हैं। हाँ नहीं मौलवी बहुत छोटे दार हैं, शुरू करो। देखिए आपके इनमें ये आपको हैरत होगी कि मजलिस की जो बाइबिल है, वो किताब, जो वो पहली किताब जिसकी बुनियाद पर मजलिस का इदारा वजूद में आया, वो किताब जो बाइबिल है मजलिस की, जिससे मजलिस का इदारा ज़ुहूर में आया, और उसका नाम है रौज़ातुश्शुहदा, मीर वाइज काशिफी, वो हनफी चौराहों पे पढ़ते हैं 9 मुहर्रम को, शिया अंबाड़ों में पढ़ते हैं। असली किताब है रौज़ातुश्शुहदा मीर वाइज काशिफी की, सुन्नी की, जिसका तर्जुमा मेरे दादा ने किया, वो 25 ज़िली से पढ़ी जाती है हमारे यहाँ। बताइए किसी को यकीन आएगा कि मजलिस की पहली किताब, ये शियों को जूतियाँ बनाया सुन्नियों ने, ये ताजिया वगैरह सभी सुन्नियों शुरू किए, कुरान की कसम, ये सारे खेल सुन्नियों शुरू किए हैं, ये ताजियादारी, ये मजलिस तो गलत तो नहीं कर रहा। आप पूरा सर्वे करें, ताजिए सुन्नी उठा दें, उसमें खर्च बहुत आता है, एक हैरान कन बात है, ताजिया ठंडा हुआ उस पर आपके नेटी जटी पर ख़त्म हो गया ना, 11 से फिर शुरू कर दिया उन्होंने बनाना, एक एक साल चावल का ताजिया, फला का ताजिया, वो लाखों रुपये खर्च करते हैं, कौन सुन्नी। आपने कभी सर्वे नहीं किया 10 मुहर्रम का, मैं आदि भी नहीं होते शिया जो उतरते हैं आपके नजदा पार से, असली मजमा वो होता है क़यामत का मजमा, वो नेटी जटी तक सजे से लेकर, ये बानी सुन्नी है। यहाँ तैमूर बानी, तैमूर सुन्नी था, तैमूर हर साल करबला, ये अजीब तारीख बोल रहा हूँ, तैमूर हर साल करबला जाया करता था, वक्त के साथ साथ उसने फतुहात का सिलसिला शुरू किया, वक्त के साथ साथ उसने फतुहात का सिलसिला शुरू किया, अब वो हर साल नहीं जा सकता था करबला, वो अब क्या हो, तो उसने जहन में एक आइडिया आया कि करबला की छवि बनाई जाए, तो करबला की छवि बनाई गई और वो लश्कर के आगे आगे चलती थी, उस छवि का डिटो नकल मैंने देखी। बाबा जफर ने जाते हुए जब अपने तवरुकात महफूज कराए तो निज़ामुद्दीन औलिया कि बराबर एक अम्बाड़ा है जो निज़ामुद्दीन के ज़माने चला आ रहा है अम्बाड़ा, यह भी सुन के आपको अरे दफन तगदा लगा, कहा अच्छा, मैं भाई आप दिल्ली में रहते थे या इंडोनेशिया में, भाई हमें तो नहीं मालूम, बाकी बराबर तो वह है अम्बाड़ा निज़ामुद्दीन औलिया का, उसमें वो ताजिया रखा है तैमूर वाला, डिटो बिल्कुल वही है, मैंने देखा, मुझे हसन साइन निज़ामी ने दिखाया, भाई असली ताजिया देख लो, तो तैमूर ने शुरू किया है ताजिया बनाना, शिया सालों को आइडिया भी नहीं था, अभी आइडिया नहीं चुती हूँ, गलत नहीं करा भाई, भाई तुम सही है तो माफ कर, तुम्हारे दादा की बात कर रहा हूँ सामने रहेगी भाई, आपको ये बातें लोग बताएंगे नहीं बताएंगे, वाकई भाई सही बात है, चक्कर ही दूसरे हैं।